नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर ब्लॉक के लोसनपुर गांव में, जहां अवध यूनिवर्सिटी में टॉप की है बालिका। यहां की हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, आखिर कैसे टॉप की है और इसके लिए इसे करना क्या पड़ा। क्या नाम है टॉप का? गार्गी यादव जी। ये बताइए कि अभी आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो कौन सा क्लास था ये? सर एमए था मेरा। स्कूल कौन सा था, किस में पढ़ रही थी? हरिमऊ में श्रीमती देवपति नंदकिशोर बालिका इंटर कॉलेज। नहीं, अभी जहाँ से टॉप किया वो किस स्कूल से आपने टॉप किया? सर वो सुल्तानपुर में गणपत साहब पीजी कॉलेज। तो ये जब टॉप किए हैं तो ऐसे बताइए कि पढ़ाई में आप जो है किस किस का सहयोग रहा? सर हम बहुत छोटे थे तभी मेरे पापा की डेथ हो गई, उसके बाद बुआ फूफा ने सपोर्ट किया है और कुछ टाइम बाद 2017 में लगभग फूफा जी की भी डेथ हो गई, तो बड़ी दीदी ने और उन्हीं के भैया हैं बड़े दिव्यांशु यादव, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। पढ़ाई के लिए आप जो है क्या करती थी, किस तरीके से पढ़ाई की है? सर पढ़ाई में घर में सबसे ज्यादा मम्मी ने सपोर्ट किया और बड़े भैया दीदी हैं सब ने सपोर्ट किया। नहीं, पढ़ाई का तरीका क्या था, किस तरह से आप पढ़ती थी घर पे या स्कूल में, किस तरह से पढ़ाई करती? सर वैसे तो हमने सेल्फ स्टडी ही की और ऑनलाइन भी बहुत फायदा हुआ है हमें मोबाइल से भी, और घर में सब लोग बड़े हैं तो इसलिए बाहर किसी से मतलब कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सेल्फ स्टडी। अब चूँकि जो है आपने एमए में टॉप किया है, विषय कौन सा था आपका? सर सैन्य विज्ञान। अब आगे चलकर क्या करने का इरादा है? सर आगे बस नेट जीआरएफ की तैयारी और पीएचडी करना है। पीएचडी करके किसी और को भी तुमको ज्ञान देना है इसका मतलब? यस सर। हाँ, अभी आप इस पढ़ाई को और इस जो है जो अभी तक आप जो टॉप किए हैं इसको आप जो है सबसे पहले जो है और सबसे ज्यादा किसको आप तरजीह देंगे, किस इसकी जो है अगर माना जाए कि इसका जो है किसके ऊपर आप चाहेंगे कि सबसे ज्यादा रोल उसका था? सर घर में तो सबका रोल था, मम्मी का, बुआ फूफा का और भैया का, और घर में भी बड़े पापा चाचा ने भी सबने सपोर्ट किया है। और सर कॉलेज में हमारी मैम है दीपा सिंह और हमारे सर हैं विनय सर, राजा राम सर और बाकी हेड हैं चतुर्वेदी सर, जितने भी टीचर हैं हमें पूरा सपोर्ट किया है अभी तक, पैसे से लेकर पढ़ाई में हर चीज। अभी अच्छा ये बताइए कि आप टॉप किए हैं तो जो छात्र छात्राएं अभी पढ़ रही हैं इनको आप अपने मन से बताना क्या चाहेंगे, आखिर किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें? सर वैसे सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कॉलेज में, पढ़ाई इतनी अच्छी है कि वैसे तो ज़रूरत नहीं है कोचिंग वगैरह की, सेल्फ स्टडी में ही सर इतना सपोर्ट कर देते हैं, बुक्स वगैरह इतनी जैसे मिलती नहीं है तो वो खुद वहाँ से दिला देते हैं, इसलिए सर मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, इतना सपोर्ट मिलता है। जैसा कि फैजाबाद विश्वविद्यालय में एमए में टॉप कर चुकी गार्गी यादव का कहना है कि कोचिंग बड़ी जो है बात नहीं है, अगर पढ़ाई जो है खुद से अगर मन से पढ़िए पढ़ा जाए तो वो भी टॉप किया जा सकता है, कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज के परिवेश में कोचिंग जहाँ की जगह जगह सेंटर खुले हुए हैं, ये जो है एक जो है बच्चों के लिए एक अपने आप में उदाहरण होगा, जो कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सहायता के, सिर्फ सेल्फ स्टडी से और अपने घर वालों की सहायता से इसने टॉप किया है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।